तो हम आपको फल संधि में अष्टुनाष्टु सूत्र चल रहा था, जिसके दो उदाहरण दिए थे, रामष्ट रामष्टिक थे। अब तीसरा उदाहरण था तट्टी का। पहले अष्टुनाष्टु जो सूत्र है इसका अर्थ समझ लेते हैं। उसका मतलब था इस्तो इष्टु ना योगे इष्टु स्यात, मतलब सकार और तवर का योग सकार और टवर के साथ होने पर क्या परिवर्तन हो जाता है। सकार हो तो शकार हो जाता है और टवर हो तो टवर हो जाता है ना। तो तट्टिका में क्या है कि किसका योग किसके साथ हो रहा है, टवर का योग टवर के साथ। टवर का दकार है ना ये, इसका टवर के टकार के साथ ही हो रहा है, इसलिए क्या परिवर्तन होगा, दकार के स्थान पर टवर के दकार के स्थान पर टवर का कोई वर्ण आ जाएगा। लेकिन हम देखेंगे कि ये दकार है वो टवर का तृतीय वर्ण है, इसलिए यहाँ पर जो टवर का वर्ण आएगा वो भी तृतीय आएगा। त थ द की जगह ट ठ ड ये आ जाएगा, तो त और ड प्लस टीका ये हो गया ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ खरीचे सूत्र लेगा। खरीचे सूत्र क्या करता है, जलों के स्थान पर चर कर देता है, खर प्रत्यार का वर्ण कर। तो खर प्रत्यार का खर प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्गों के प्रथम द्वितीय, तो प्रथम वर्ण है। ऐसा होने पर जलों के स्थान पर चर हो जाता है, ये जल प्रत्यार का वर्ण है। जल प्रत्यार में वर्गों के प्रथम से चतुर्थ वर्ण आते हैं, तो इसके यहाँ चर हो जाता है, चर का मतलब वर्गों के प्रथम वर्ण हो जाते हैं, प्रथम वर्ण हो जाते हैं। तो ये कौन से वर्ग का है, डकार टवर का है, तो टवर का तृतीय वर्ण है, इस स्थान पर टवर का प्रथम वर्ण हो जाएगा, टकार ही हो जाएगा। तो त और ट प्लस टीका ये किससे हुआ, ये कार्य ये हुआ खरीचे सूत्र से हुआ ये काम। तो बराबर तट्टी का रूप सिद्ध हो गया। वहीं आगे बात आपके, अब अगला सूत्र हम लेंगे हल संधि का। अगला सूत्र है यरोनुनासिक अनुनासिक होगा, ये भी देख लो आप, यरोनु नासिके नु नासिको वा, यरोनु नासिके नासिको वा। 844 इसका नंबर है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि अनुनासिक वर्ण परे होने पर पदांत यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक वर्ण हो जाता है। इसका वा का मतलब विकल्प से होता है कार्य। क्या अर्थ इसका कि अनुनासिक वर्ण परे होने पर पदांत यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक वर्ण हो जाता है। तो इसका उदाहरण से हम इसको स्पष्ट करेंगे। इसका उदाहरण है एतन मुरारी, एतन मुरारी ये विष्णु है, इसका अर्थ ये विष्णु है। इसका संधि विच्छेद करेंगे, एतद धन मुरारी, ठीक है ना। तो इस सूत्र के शर्त क्या थी, अनुनासिक वर्ण पर होना चाहिए। ये अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, वर्गों के अंतिम वर्ण है ना, यह मंगाणा न, ये पांच अनुनासिक वर्ण होते हैं। अनुनासिक पदांत यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक जाता है, ये यर प्रत्यय का, तो अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। मतलब ये जिस भी वर्ग का है दकार उसका अंतिम वर्ण यहाँ आ जाएगा, विकल्प होगा भी और नहीं भी, ठीक है ना। जहाँ पर हो जाएगा वहाँ पर तो ए तन धनमुरारी वर्ग का अंतिम वर्ण नकारी, और जहाँ नहीं होगा वहाँ पर ए तद धन मुरारी। तो दो सिद्धियाँ हो जाएगी यहाँ पे, एक तो ए तन मुरारी और एक तद मुरारी, ये इसका काम हो गया है ना। तो इस प्रकार से ये यरोनुनासिक अनुनासिक का सूत्र भी हो गया। अब अगला सूत्र लेंगे जो है तोरली है, अगला सूत्र है तोरली। इसका क्रमांक है 8469।
तो अगला सूत्र है तोरली, तोरली 8 4 59 नंबर है। इसके बारे में अगले व्याख्यान में पढ़ाएंगे।